एक कार्यक्रम भी कर दिया, इतनी बड़ी एक रैली भी कर दी, कैसे कुछ संभव हो पाया? जबकि वहाँ पे तो ये माना जाता था कि कांग्रेस तो है ही नहीं है यहाँ पे। चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हो, वो भी जनता के द्वारा ही दिग्गज बने हैं। उचियाणा के माथे से ये बैकवर्ड का कलंक जो है ये हटा सके, और ना ही ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बाद लोग इस फैसले पे पहुँचे हैं कि अगर तुम्हारा कोई कुछ कर सकता है तो वो तुम्हारे बीच का तुम्हारा अपना ही कोई बेटा सोच सकता है। वीरेंद्र गोगड़िया को वीरेंद्र सिंह ने ही बनाया था, और अब वो उन्हीं के मुकाबले में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। अलका गवाह है इस बात का कि वीरेंद्र सिंह ने मेरे लिए क्या किया है और मैंने वीरेंद्र सिंह के लिए क्या किया है। वीरेंद्र सिंह 5 पैसे का काम साबित नहीं कर सकता, और उस पद पर मैं किसी भाई का भला नहीं कर सकता, किसी के काम नहीं आ सकता, तो उस पद पर रहने का मुझे कोई हक नहीं है। कारण क्या लगता है काम क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आप तो उनके नजदीक भी रहे हैं, जाना भी हमको। 2019 में वो वोट कहाँ चले गए थे? 2019 के चुनाव में तो जमाना जबत हुई थी आप लोगों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। आज मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है वीरेंद्र गोगड़िया। हरियाणा की राजनीति से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो उनका नाम जरूर जानते होंगे। उचियाणा हल्का से आते हैं और इसलिए उनका नाम ज़्यादा चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि वो चौधरी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दो बड़े दिग्गजों के बीच में अपनी पैठ बनाने में कोशिश कर रहे हैं और कुछ कामयाबी हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके द्वारा जो रैली की गई थी उस रैली की जो धमक है वो पूरे हरियाणा में गई थी, क्योंकि लोग पहले यही मानते थे कि उचियाणा में वीरेंद्र सिंह के अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने जब एंट्री मारी तब कहा जा रहा था कि दोनों बड़े नेता हैं, लेकिन एक स्थानीय से युवा ने जब इतना बड़ा एक कार्यक्रम कर दिया, इतनी बड़ी रैली कर दी, तो उसके बाद वीरेंद्र गोगड़िया चर्चा में आ गए। वीरेंद्र गोगड़िया से उचियाणा को लेकर के कई मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। वीरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दूसरा, जैसे मैं अभी कह ही रहा था कि दो बड़े दिग्गजों के बीच में एक नया सा आदमी, और उसने आके इतना बड़ा एक कार्यक्रम भी कर दिया, इतनी बड़ी एक रैली भी कर दी, कैसे कुछ संभव हो पाया? जबकि वहाँ पे तो ये माना जाता था कि कांग्रेस तो है ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा है, दिग्गज किसी को जनता ही बनाती है, और वो भी चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हो, वो भी जनता के द्वारा ही दिग्गज बने हैं। तो अब समय उन दिग्गजों का, अरस से फरस का समय आ गया है, और अब जनता ने ठान लिया है कि किसी आम और साधारण किसान के बेटे को उचियाणा में दिग्गज बनाना है। कारण क्या लगता है इस बात का, क्यों लोगों का आप मानते हैं कि मन बदला है? इसके कोई एक कारण नहीं है, लोगों ने अपनी तरफ से दोनों को पूरा समय दिया है। चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, वो लगभग पिछले 50 साल से उचियाणा में राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाहे ओम प्रकाश चौटाला का परिवार हो, जिसमें चाहे खुद ओम प्रकाश चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला हो, लोगों ने उनको भी अपनी तरफ से पूरा समय दिया है, और उस समय देने के बाद लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पिछले 50 साल में ना तो चौधरी वीरेंद्र सिंह उचियाणा के माथे से ये बैकवर्ड का कलंक जो है ये हटा सके, और ना ही ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत चौटाला, दो तीन पीढ़ियों ने यहाँ सिरसा से आगे यहाँ राज किया है। तो ओम प्रकाश चौटाला नरवाणा से चुनाव लड़कर जीत करके यहाँ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अब दुष्यंत चौटाला उचियाणा से चुनाव लड़ करके यहाँ उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन दादा पोता दोनों ही ये जो पिछड़ेपन का जो कलंक है वो हटाने में सफल नहीं हुए। तो लोगों ने पूरा अपनी तरफ से उनको पूरा ताक देखा है, वीरेंद्र सिंह को भी और दुष्यंत चौटाला को। उसके बाद लोग इस फैसले पे पहुंचे हैं कि अगर तुम्हारा कोई कुछ कर सकता है, तुम्हारे बच्चों को कोई रोजगार दे सकता है, तुम्हारी जो धरातल पर जो लोकल समस्याएं हैं उनके बारे में अगर कोई सोच सकता है, वो तुम्हारे बीच का तुम्हारा अपना ही कोई बेटा सोच सकता है, तो इसलिए लोग आज इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अच्छा, आपकी रैली का मैंने अभी जो जिक्र किया था, रैली में इस प्रकार से जो लोग आए थे वो लग रहा था एक स्टेट लेवल की रैली है, तो वो क्या है, वो लोगों का सिर्फ आपके प्रति जुड़ाव है, क्या क्या मान के चले उसको? ऐसा है, मैं लगभग पिछले 25 साल से सक्रिय रूप से राजनीति में हूँ। उससे पहले भी स्टूडेंट लाइफ में भी मेरी रुचि थी और मैं वहाँ भी सक्रिय रहता था, लेकिन पिछले 24-25 साल से तो मैं धरातल पे पूरा राजनीतिक तौर पर सक्रिय हूँ।
चाहे मेरे 17-18 साल का जो समय हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ मैंने जो काम किया, मैंने चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह से ज्यादा उनके लिए काम किया है। और जहां तक लोगों का आने की बात है, इसके पीछे एक रीजन है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ जब मैं होता था, अगर वो किसी को मतलब दमका के या गुस्से में बोलते थे तो मैं उनको कहता था भाई कोई बात नहीं, मेरे को ये कागज दे, मैं आपका ये मैं कोशिश करता हूँ, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं बैठे हूँ, चिंता ना करो। तो जो पिछले 23-24 साल का जो लोगों के बीच का मेरा पीरियड है, उनके सुख दुख में शामिल होना, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होना, उनकी हर समस्या पे खड़े होना, तो यही वजह है कि लोगों ने, जब मैंने जरूरत पड़ी लोगों की तो लोगों ने अपनी तरफ से खूब प्यार दिया है। वीरेंद्र सिंह के लोग ये कहते हैं कि वीरेंद्र गोगड़िया को वीरेंद्र सिंह ने ही बनाया था और अब वो उन्हीं के मुकाबले में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। ऐसा है, वीरेंद्र सिंह के लोग क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बनाने वाली और गिराने वाली ये जनता होती है। ना तो वीरेंद्र सिंह किसी को बनाते हैं, और अलका गवाह है इस बात का कि वीरेंद्र सिंह ने मेरे लिए क्या किया है और मैंने वीरेंद्र सिंह के लिए क्या किया है। वीरेंद्र सिंह 5 पैसे का काम साबित नहीं कर सकता कि वीरेंद्र गोगड़िया का अगर कोई 5 पैसे का काम भी पर्सनल किया हो। अच्छा, वीरेंद्र सिंह कोई ये साबित नहीं कर सकता कि वीरेंद्र गोगड़िया का कोई रोजगार पर्सनल वीरेंद्र गोगड़िया को या उसके परिवार को रिश्तेदार को दिया हो। और जहां तक बात है कि वीरेंद्र सिंह ने खड़ा किया है, वीरेंद्र सिंह ने मेरे को हाँ मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया था, लेकिन उसकी 6 महीने में भी मैंने उनकी चेयरमैनी उनके घर भेज दी थी। वो क्या हुआ था ऐसा कि भी आप लोगों के संबंध बढ़ गए, क्योंकि चेयरमैन मिलना तो एक बड़ी बात थी, चेयरमैन ही छोड़ दिया आपने? ऐसा है, मेरे लिए मतलब कुर्सी की ज़्यादा चाह मुझे नहीं है, ये मेरे हल्के के लोग भली भांति जानते हैं। मेरे लिए कुर्सी बड़ी नहीं थी, लोगों के प्रति जवाबदेही ज्यादा बड़ी समझता हूँ मैं। और अगर मैं किसी पद पर बैठा हूँ और उस पद पर मैं किसी भाई का भला नहीं कर सकता, किसी के काम नहीं आ सकता, तो उस पद पर रहने का मुझे कोई हक नहीं। और यही वजह रही है उस दौरान कि मैं जो करना चाहता था वो मुझे करने नहीं दिया गया खुल करके, लोगों का काम तो, करने से रोका। हाँ बिल्कुल, तो मैंने यही चाहेंगे वैसे वो, ये तो उनका पर्सनल निजी अंदर का मामला है, उनका पारिवारिक मामला था, कहीं ना कहीं उनके मन में कोई भय था कि अगर मैं लोगों के काम आऊंगा तो कल कहीं लोग मुझे इनके बराबर में नेता ना मानने लगे, तो इनका ये अंदर की उनकी बौखलाहट थी, उनका भय था। लेकिन अगर जनता किसी को नेता बनाना चाहती है तो उसे ना वीरेंद्र सिंह रोक सकता, ना दुष्यंत चौटाला रोक सकता। अच्छा, एक बड़ी बात है वीरेंद्र सिंह को लेकर के, अभी आप कह रहे थे कि इतने बड़े पदों पे रहे, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उचाणा का जो बैकबोर्ड का उसके ऊपर टैग लगा हुआ है वो नहीं हटा पा रहे, कारण क्या लगता है, काम क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आप तो उनके नज़दीक भी रहे हैं, जाना भी उनको। सही है, आदमी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है या लोगों के प्रति की रुचि काम की। ये पिछले वीरेंद्र सिंह ने 5 बार वीरेंद्र सिंह जी विधायक बने हैं, उनकी धर्मपत्नी भी विधायक बनी है, उनके बेटे भी एमपी बन लिए, राज्यसभा में वीरेंद्र सिंह लोगों की बदौलत गए हैं, केंद्र में मंत्री भी लोगों उचाणा लोगों की बदौलत हैं। लेकिन वो समझते हैं कि लोगों ने वोट देने, एक बार नहीं देंगे अगली बार दे देंगे, तीसरा आदमी को इन्होंने यहाँ पनपने नहीं दिया, रुचि इनकी काम कराने में थी नहीं थी, मुद्दा कोई भी हो उसको ये जस का तस बनाए रखना चाहते थे। इनकी ये सोच थी अगर मुद्दे खत्म हो गए तो फिर कल किस बात को लेके लोगों के बीच में जाओगे। अच्छा, अभी कांग्रेस की स्थिति क्या है उचाणा में? ऐसा है, कांग्रेस जब चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़ के गए थे उस टाइम कांग्रेस 1800 वोटों पर उचाणा में थी। हाँ, स्वर्गीय श्री बाघ सिंह जी उन्होंने चुनाव लड़ा था तो 1800 कुछ वोट उनके आए थे, लेकिन उस दिन से हमने गली गली में जाकर दरातल पर काम कर करके कांग्रेस को सींचा है। और मैं आज ये बड़े गर्व से और फख्र से कह सकता हूँ और बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आज कांग्रेस उचाणा के अंदर 1 लाख वोटों पर खड़ी है।
और 2019 में वो वोट कहाँ चले गए थे? 2019 के चुनाव में तो जमाना जबत हुई थी आप लोगों की। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन ये जनता भी देखती है कि वोट कौन वोट लेने के काबिल है कौन नहीं है। लोगों ने उस टाइम ये चेहरे देख के फैसला किया था। अगर उस टाइम कांग्रेस का चेहरा कोई और होता तो मैं नहीं समझता कि दुष्यंत चौटाला 47,000 से जीत सकते थे। कोई और कैसी देसी देखे, ये टिकट की दौड़ में तो आप भी थे। ऐसा टिकट की दौड़ में है नहीं, टिकट मेरी लगभग फाइनल थी। और फाइनल भी इसलिए थी क्योंकि मेरा काम, जो मेरे नेता हैं आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने जो भी मेरी जिम्मेवारी लगाई मैंने वो बखूबी वो धरातल पे काम करके वो निभाई है, और उन्होंने करके मैंने उनको दिखाया है। मैंने 2017 में एक बहुत बड़ी जनसभा की थी उचैना के अंदर, जब लगभग 2.5-3 साल का समय कांग्रेस का बचा हुआ था, लेकिन उस जनसभा ने साबित कर दिया था कि वे लोग उचैना में किसे चाहते हैं। उचैना में निश्चित तौर पर लोग उसे ही पसंद करते हैं जो उनके बीच में रहेगा, उनका अपना बन के रहेगा। मान के चले 2019 में अगर आपको टिकट मिलती तो एक सीट और कांग्रेस की होती। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन साथ में ये सोच के भी बताना कि आपके फिर वहां पे दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे थे, जिनका एक अच्छा जो उस टाइम में प्रचार था। निश्चित तौर पर उस टाइम दुष्यंत चौटाला का एक नाम था और लोग उनके प्रति ज्यादा उत्सुक थे, उन समझते थे कि वे दुष्यंत नहीं है तो दूसरा देवीलाल है। लेकिन मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, और उसके पीछे वजह है कहने के पीछे कि मैं क्यों उनका मुकाबला करता। सबसे बड़ी ताकत मेरे पास मेरा गांव है। मेरे गांव की 36 बिरादरी बच्चा बच्चा आज मेरे कंधे के कंधे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, चाहे वो समय था और चाहे आज है। और मेरा गांव ही नहीं, जो मेरे आसपास के 10-12 गांव हैं, चाहे खटखड़ है, बड़ौदा है, करसिंधु है, छात्र है, कलता है, भोसला है, रोजखेड़ा है, कसून है, धनखड़ी है, मोनगढ़ चापड़ा है, सापुर है, तो मैं बड़ा मतलब गर्व भी महसूस करता हूँ और मैं भावुक भी हो जाता हूँ कि इतना प्यार ये लोग देते हैं मुझे कि मैं जिंदगी में इनका कर्ज नहीं उतार सकता। और यही वजह है, इसीलिए मेरे कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि इन लोगों का हाथ मेरे सिर पर है कि मैं उस टाइम भी अगर टिकट मिलती तो दुष्यंत चौटाला का मुकाबला करता। पर दुष्यंत चौटाला अभी भी जनसभाएं बार बार करते हैं वहीं पर, गांव गांव में उनके अच्छे लोग उनके भी जुड़ रहे हैं, और वो दावा करते हैं कि भले ही मैं कोरोना काल में काम नहीं कर पाया लेकिन अब काम की मैंने रफ्तार बढ़ा दी है। कितने आप उनके इस बात से ताल्लुक रखते हैं? ये धरातल पे आज आप भी लोगों के बीच में जाते हो, भले ही भांति वाकिफ हो, हर आदमी आज आपको क्या कहता है कि इन दोनों से पीछा छुड़वा दो। अगर इन्होंने काम किए होते तो आज बच्चे बच्चे की जुबान पर ये बात थोड़ी ना होती कि इनसे पीछा छुड़वा दो। इन्होंने काम के नाम पर सिर्फ घोषणाएं करते हैं, कहीं कोई काम नहीं किया। हम गांव में जाते हैं, मैं डेली अलगे के 2-4 गांव में जाता हूँ, मतलब जस जो समस्याएं हैं वो जस की तस पिछले वर्षों से यूं की यूं पड़ी हैं, चाहे नहरी पानी की समस्या हो मेरे हल्के की, चाहे निकासी की समस्या हो गांव में, और तो मैं क्या कहूंगा कि इनके पास खुद महकमा पंचायती राज इनके पास है। आज कहीं भी हल्के में किसी गांव में चले जाओ, पंचायती राज के नाम पे, पंचायती उस फंड के नाम पे कहीं एक ईंट नहीं लगती दिखाई देती। अच्छा, कई बार चर्चाएं होती हैं कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आ रहे हैं, अगर वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आते हैं तो फिर ये वीरेंद्र क्या करेगा? ऐसा है, मैं कांग्रेस पार्टी का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाई दीपेंद्र हुड्डा का एक सच्चा सिपाही हूँ। मुझे तो पूर्ण विश्वास है, मेरे नेता ने विश्वास दे रखा कि चाहे कोई कहीं रहे कहीं आए, आपकी बार चुनाव लड़वाएंगे मुझे। अगर कांग्रेस में वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आता है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह का आज मैं समझता हूँ कोई स्टैंड नहीं रहा। एक समय था जब वीरेंद्र सिंह की कहा जाता था कि भाई जवान के धनी है, और हम भी मानते थे, लेकिन आज वीरेंद्र सिंह ने पुत्र मोह में फंस करके
अपना जो उनकी एक छवि थी राजनीति में वो उसको बिल्कुल खो चुके हैं। आज हर आदमी ये कहता है कि भाई कोई तसल्ली नहीं इसकी आती, ये रोज पार्टियां बदलता है, पहले भी कांग्रेस तिवारी, उसके बाद दोबारा कांग्रेस, फिर बीजेपी, ये राज के मुंह में फंसे हुए हैं। बीजेपी का राज आता दिखा तो बीजेपी की तरफ भाग लिए, अब कांग्रेस का राज आता दिख रहा है अब फड़फड़ा रहे हैं कांग्रेस में आने के लिए, लेकिन कांग्रेस में दरवाजा उनके लिए खुला नहीं है। अच्छा, उनके अलावा भी अगर बात करें, अब तो कांग्रेस में दावेदारों की भी कमी नहीं रही उचाणा में। अभी भी कुछ दिन पहले एक रैली हुई थी, वहाँ भी लोग अच्छे थे, उससे पहले बलराम कटवाल भी दावेदारी लगातार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो दावेदारियाँ वीरेंद्र गोगड़िया की राह में कोई रोड़ा तो नहीं बनेंगी? ऐसा है, ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी अपना भाग्य आजमा सकता है और सबको आके टिकट मांगने का, लेकिन फैसला पार्टी ने करना है, नेताओं ने करना है, और फैसला उस आधार पे करना है कि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्लियर कहते हैं कि भाई मेरिट के आधार पर टिकट दी जाएगी, और जिसकी लोग डिमांड करेंगे, आप भी लोगों के बीच में जाते हो भाई किसकी लोग डिमांड करते हैं, निश्चित तौर पर उस आदमी को टिकट मिलेगी। जहाँ तक मेरी बात है और दूसरे साथियों की बात है, मैं लगभग पिछले 25 साल से कांग्रेस का सिपाही बनकर कांग्रेस को सींच रहा हूँ। हाँ, बीच में मैं एक दो साल के लिए वीरेंद्र सिंह के साथ में बीजेपी में गया था, लेकिन वहाँ बीजेपी की भरी थाली को छोड़ के मैं आया था, और उस टाइम आया था जिस टाइम कांग्रेस को कोई मतलब कांग्रेस की तरफ बात नहीं कर रहा था कोई, और मैं लोग तो पंचायत की मेंबरी नहीं छोड़ते, मैं चेयरमैन ही छोड़ के गया था मार्केट कमेटी की, जो लोगों की नजरों में एक अच्छा पद है और लोग वहां समझते हैं कि पैसे भी कमाते हैं, कमाई का पद है, कमाई का पद है। लेकिन मैं उस पद को भी ठोकर मार के कांग्रेस पार्टी में गया था, और उस दिन के बाद कांग्रेस पार्टी को मैंने खुद अपने हाथों से सींचा है धरातल पे। मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, सुख दुख में रहा हूँ। टिकट मांगने वालों की बात है, बलराम कटवाल जी ठीक है, वो भी पीछे टिकट उनको मिली भी थी, वो भी देख लिया लोगों ने, और भी जो साथी हैं उनका भी, सबको पता है भाई किसका क्या जनाधार है। समाज दुनिया एक शीशा है। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी आप आरोप लगा रहे थे कि वीरेंद्र सिंह ने काम नहीं करवाए और आपके दुष्यंत चौटाला काम नहीं कर पाए, अगर वीरेंद्र गोगड़िया को मौका मिलता है तो क्या कुछ कोई खाका तैयार किया कि ये बड़े काम है, ये होने चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल, वीरेंद्र गोगड़िया इस हलके की गली गली से वाकिफ है। वीरेंद्र गोगड़िया को आज यहाँ बैठे पता कि किस गांव की कौन सी नाली बंद पड़ी है और किस गंदे नाले की वजह से गली में कीचड़ भरा पड़ा है। वीरेंद्र गोगड़िया एक उन्होंने मैंने एक वर्कर बन के काम किया है और मुझे पता है एक वर्कर की क्या समस्या होती है। मैं एक साधारण परिवार का बच्चा हूँ, मुझे पता है एक साधारण परिवार की क्या समस्याएं होती है। तो निश्चित तौर पे मेरे मन में एक खाका है कि अगर परमात्मा ने समय दिया, मौका दिया इन लोगों की सेवा करने का, तो मैं वो करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, शुक्रिया वीरेंद्र, आपने हमें समय दिया। और वीरेंद्र गोगड़िया मेरे साथ थे, जिस प्रकार से दावा करते हैं कि अगर उनको मौका मिलता है उचाणा से तो वो कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएंगे। हालांकि उचाणा के लोग कहते हैं कि यहाँ दावे करने वाले तो बहुत रहते हैं, चाहे उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह रहा, और आप लोग तो दुष्यंत चौटाला को भी यही कहने लगे हैं कि सिर्फ दावे थे, काम नहीं कर पाए। पर आप लोग अगर उचाणा से हैं और वीरेंद्र गोगड़िया को जानते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सच में अगर इनको मौका मिलता तो कुछ काम कर पाएंगे, या फिर जो दो बड़े नेता उन्हीं की तरह इनके दावे भी सिर्फ दावे होंगे? और इसी प्रकार की शख्सियत से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए लगातार आप जुड़े रहिए सत्य खबर के साथ। फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। नमस्ते। सत्य सटीक बेबाक।